जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मौलिक अधिकारों के बारे में, हम आपसे बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में। इसके अलावा हमने देखा था बाकी जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में। आज हम देखेंगे वन बाय वन करके सारे आर्टिकल्स। ठीक है, तो क्या देखा था हमने, एक बार और जल्दी से अगर रिविजन करते हैं। हम बात कर रहे थे आपसे मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसका वर्णन कहां पर है, तो जिसका वर्णन है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 12 और 13 हम आपको बता चुके थे कि अनुच्छेद 12 और 13 में क्या दिया गया है। आज हमें बात करना है अनुच्छेद 14 से। इसके पहले हम एक बार और जल्दी से रिवीजन करते हैं हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में, आखिर उनका वर्णन कितने आर्टिकल से कितने में किया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो क्या है, हमारा समानता का अधिकार, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 में। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 23 से 24 में। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 25 से 28 में। पांचवा है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 29 से 30 में। और लास्ट है हमारा संवैधानिक। एक बार और यहाँ पे याद रखना, इसके बाद ही जो हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, इसके बाद ही हमारा संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसको वर्तमान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके बाद हमारा जो छठवा आखिरी अधिकार बचता है वो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में। ये हमने इतना कल जान लिया था। अब आज से हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 14, मतलब हम वन बाय वन पढ़ेंगे यहाँ से आपको 32 और 35 तक लेके जाएंगे कि एक एक आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपसे अनुच्छेद 14 के बारे में कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कितने प्रकार की ये समानता की बात हुई है अनुच्छेद 14 से 18 में। तो समानता में सबसे पहले अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, सबसे पहले अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि विधि कानून के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। विधि यानी कानून, कौन सा आर्टिकल है हमारा 14 अनुच्छेद 14। ठीक है, सबसे पहली बात यह क्या कह रहे हैं, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि मतलब कानून। अब इससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं, क्या आप अभी समझ पा रहे हैं कानून के समक्ष समानता मतलब, इसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि कहीं आप जैसे रिपोर्ट लिखवाने गए, कहीं का मतलब यानी थाने में आप जैसे रिपोर्ट लिखवाने गए हैं या कोई और आप शिकायत कर रहे हैं जो कानून से संबंधित है, ठीक है, तो आपको जाति के आधार पर, ठीक है, या लिंग के आधार पर या भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार से आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जनरल कैटेगरी वाले हैं, ओबीसी एससी एसटी वाले हैं तो जनरल कैटेगरी वाले को प्राथमिकता दी जाएगी या ओबीसी वाले को प्राथमिकता दी जाएगी या एससी एसटी वाले को दबाया जाएगा, सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले हमारा अनुच्छेद 14 यही कहता है, विधि यानी कानून के समक्ष समानता मतलब कानून की नजर में सब समान है। दूसरा क्या कहा गया है, विधि कानून के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। दूसरा है, पहला पॉइंट क्या था हमारा, विधि के समक्ष समानता, विधि इसको हमने कानून को बताया है, विधि मतलब कानून। और दूसरा है हमारा विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। ये क्या है, विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कानून के सामने सब समान है। फर्स्ट इसका मतलब मैं आपको क्या बताया है कि कानून के सामने सब समान है, लिंग भाषा जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि विधियों के समान संरक्षण, अर्थात किसी किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, मतलब यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति है, ठीक है, अब आप कहें इसकी मैं थोड़ा और आपको आगे बढ़ के बता रहा है, इसमें दिया गया है विधि के समान संरक्षण में कि साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय, सुनना आप ध्यान से, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है, ठीक है, सभी व्यक्ति इसमें समान है, इसलिए कहा गया है विधियों का समान संरक्षण। और देखें, कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर क्या है हमारा कानून है। कोई चाहे अमीर है चाहे गरीब है, ऊंचा है नीचा है, अधिकारी है गैर अधिकारी, रोजगार है जिसके पास, बेरोजगार व्यक्ति है, आम नागरिक है कोई वरिष्ठ नागरिक है, ठीक है, पैसों वाला है कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। ठीक है, तो यहाँ आपको बात एक क्या याद रखना है,
कि चाहे इसमें विधियों का समान संरक्षण मतलब सभी को समान संरक्षण देगा कौन, कानून। इसमें क्या कहा, विधि के समक्ष समान का मतलब कानून की नजरों में सभी समान है और कानून सभी को समान संरक्षण देगा। ठीक है, दो पॉइंट याद रखना है आपको, विधि के समक्ष सबको समानता दी गई है और विधियों का समान संरक्षण मतलब कानून सबको समान संरक्षण देगा और कानून के सामने सब समान है। ठीक, दो बातें यहां पर याद रखना है हमारे अनुच्छेद 14 में। चलिए, ये हुआ हमारा अनुच्छेद 14। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। इसके बाद है आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 15 में है धर्म, ध्यान से सुनना है आपको, धर्म, जाति, नस्ल, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि समानता की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था अनुच्छेद 14 में, कि कानून के समक्ष सभी समान है, इसके अलावा विधियों का समान संरक्षण मतलब कानून सभी को समान संरक्षण देता है। फिर अनुच्छेद 15 क्या हमारा कहता है, तो इसमें सबसे पहले है धर्म, जाति, धर्म, जाति, नस्ल, वंश, ठीक है, धर्म, जाति, नस्ल, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान, लिंग महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखना, 14 क्या कहता है, कानून सभी के लिए समान है और कानून सभी को समान संरक्षण देता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, कि धर्म, जाति, नस्ल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा अनुच्छेद 14 और 15, तो क्या है इसमें, विधि के कानून के सामने सब समान है और विधियों का समान संरक्षण, कानून सबके समान संरक्षण देता है। फिर इसके अलावा है धर्म, जाति, नस्ल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 15, यह हम ऊपर लिखे दे रहे, जो हमारा समानता का अधिकार था, समानता का अधिकार जो हमारा था उसका वर्णन जो है वह 14 से 18 में। तो हमने सबसे पहले बात करी अनुच्छेद 14 की, फिर हमने बात करी अनुच्छेद 15 की, अब हम लिखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 16। ठीक है, आर्टिकल 16 में क्या दिया गया, आर्टिकल 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगारों के मामलों में अवसर की समानता मतलब सरकारी नौकरी की समानता। सार्वजनिक जो रोजगार होते हैं, सार्वजनिक मतलब अपन कहते हैं जो हमारा मेन टारगेट अभी चल रहा है अपन आप लोगों का, सरकारी नौकरी। ठीक है, तो सरकारी नौकरी में समानता की बात कही गई है, किसमें, आर्टिकल 16 मतलब सार्वजनिक रोजगारों के मामले और अवसर की समानता। जो सार्वजनिक रोजगार है, सार्वजनिक रोजगार में अवसर, यानी आप कह सकते हैं जो सार्वजनिक रोजगार हो उनमें अवसर, यानी अपनी भाषा में कहें तो मौका, मौका सबको दिया जाएगा। बात क्या हो रही है यहाँ पर, मौका सभी को दिया जाएगा। तो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, ठीक है, की समानता, यहाँ पर आरक्षण की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, क्या है कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता मतलब जो सार्वजनिक रोजगार यानी जो सरकारी नौकरी है उसमें सभी को अवसर दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, अवसर दिए जाएंगे। अब नियुक्तियां कैसे होंगी ये फिर बात आ जाती है आरक्षण पे अपन बात करने लगते हैं। तो अभी इसमें क्या कहा गया है कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता मतलब सभी को अवसर दिए जाएंगे। इसके बाद है आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 इसमें क्या दिया गया, इसमें है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी क्या, छुआछूत, यानी छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। आपने देखा होगा पहले के जमाने में जो होता था बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पे छुआछूत माना जाता था, मतलब जो आज कैटेगरी बैठी हुई है पहले भी इसी प्रकार से कैटेगरी लोगों ने बांट रखी थी, कैसे जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले हैं, तो एससी एसटी वालों से छुआछूत माना जाता था। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, उसने आर्टिकल 17 में यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब किसी भी प्रकार से छुआछूत नहीं माना जाएगा, यानी स्पष्ट है इसमें अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। ठीक है, तो क्या क्या है अनुच्छेद 14 में, विधि के समक्ष समान, कानून के सामने सब समान है और कानून सभी को समान संरक्षण देगा। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 16 क्या कहता है, साधक रोजगार में अवसर की समानता, मतलब जो सार्वजनिक रोजगार या सरकारी जो रोजगार होते हैं उसमें सभी को अवसर दिया जाएगा, ठीक है, अवसर यानी मौका दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत का अंत। लास्ट है हमारा अनुच्छेद 18, ठीक है, आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18, इसके बाद हमारा हो जाता है समानता का अधिकार कंप्लीट। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधि क्या होती है आपकी नजर में, उपाधि मतलब, और हम आपको पढ़ के क्लियर करते हैं, अनुच्छेद 18 द्वारा राज्य को उपाधियां प्रदान करने तथा नागरिकों को उपाधियों ग्रहण करने से प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, मतलब राज्य मतलब जो हमारा देश है उसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 18 ध्यान से सुनना है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 द्वारा राज्य को उपाधियां प्रदान करने तथा नागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिबंध लगाया गया, मतलब ना तो राज्य जो है प्रदान करेगा, ठीक है, ना ही राज्य प्रदान करेगा और ना ही हमारे जो अपन जो नागरिक हैं, ठीक है, ना ही वो ग्रहण करेंगे। उपाधियों को किस प्रकार से अंत किया गया है, ना तो राज्य प्रदान करेंगे किसी प्रकार की उपाधि और ना ही नागरिक उसको ग्रहण कर सकते हैं, किंतु शिक्षा, ठीक है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उपाधियां अभी भी प्रदान की जाए, जैसे आप कहें भारत रत्न तो मिलता है, ठीक है, पद्म विभूषण पद्मश्री तो मिलता है, खेल पुरस्कार तो मिलते हैं, बहुत सारे आपने पुरस्कार सुने होंगे, वो भी तो उपाधियां हैं, तो फिर वो कैसे मिलती है, तो उसके लिए भी एक निश्चय किया गया है, किंतु शिक्षा सुरक्षा तथा भारत रत्न पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं, विदेशी उपाधि रखने की पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ऐसे कुछ पॉइंट है जिसमें कौन कौन से हमारे, शिक्षा सेकंड है, सुरक्षा, ठीक है, इसके अलावा है विदेशी, जो इसके अलावा भारत रत्न है जो अपना भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण और जो विदेश से हमारी उपाधियां प्राप्त होती हैं, विदेशी उपाधि यानी आप कुछ विदेशों में अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, कोई समाज सेवा करते हैं, कोई गरीब देश में किसी में आपको अनुभव है, किसी में कुछ आपदा आई है तो वहां पे जाके आप मदद करते हैं और वहां की सरकार आपको कुछ उपाधि देना चाहती है, तो इसमें एक क्या है, इसमें एक नियम लागू कर दिया गया कि इसको लेने से पूर्व प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी, आपको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी, ठीक है, इसमें केवल क्या है कि राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 18 हमारा कहता है कि उपाधियों को टोटली अंत कर दिया गया है, मतलब ना तो राज्य प्रदान करेगा ना ही नागरिक ग्रहण करेंगे। कौन कौन सी क्षेत्र जिनमें अपन उपाधियां ले सकती हैं, तो भाई शिक्षा है, सुरक्षा है, भारत रत्न, पद्म विभूषण है और विदेशी उपाधियां लेने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।